हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एटीट्यूड यूपीएससी एक्सपीरियंस। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वोकैब के बारे में, तो इसका और भी वीडियो पहले से है, प्लेलिस्ट में है, तो उसको आप देख सकते हैं। इससे पहले का क्लास और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा रूट वर्ड है आड़की और कृषि। यानी कि आड़की और कृषि रूट होता है शासन के लिए, यानी कि रूल्स के लिए। तो चलिए इसी के बारे में आज जानते हैं। आज का हमारा रूट वर्ड है आड़की और कृषि, यानी कि शासन। तो एनआरकी मीन्स हो जाएगा अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट और पीपुल डू नॉट ओवर रूल एंड लॉ, यानी कि अराजकता। एंड आगे है हमारा एयरकी मीन्स हो जाएगा एयर मीन्स हो जाएगा वंशज, एंड एयरकी मीन्स हो जाएगा अ सिस्टम दैट हैज मैनी लेवल्स फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाइएस्ट, यानी कि पदानुक्रम प्रणाली। आगे हमारा मैट्री मीन्स हो जाएगा मदर, एंड आर्की मीन्स रूल्स। तो मैट्री आर्की मीन्स हो जाएगा मातृसत्ता, और सोशल सिस्टम इन विच पावर एंड कंट्रोल आर इन द हैंड ऑफ मदर। एंड आगे हमारा पैट्री मीन्स हो जाएगा फादर, एंड आर्की मीन्स शासन। तो पैट्री आर्की मीन्स हो जाएगा और सोशल सिस्टम इन विच पावर एंड कंट्रोल आर इन द हैंड ऑफ द फादर, यानी कि पितृसत्ता। आगे हमारा मोनार्की मीन्स हो जाएगा किंग, एंड मोनार्की, तो मोनार्की मीन्स हो जाएगा रूल बाय किंग, यानी कि राजा का शासन। एंड आगे हमारा जेनोक्रेसी, जेनो मीन्स हो जाएगा फॉरेजिन, यानी कि विदेशी, एंड जेनोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय फॉरेजिनर्स और फॉरेजिन फोर्स, यानी कि विदेशी या विदेशी सेना के द्वारा शासन, उसी को कहेंगे जेनोक्रेसी। आगे हमारा थियो मीन्स हो जाएगा रिलीजियन, यानी कि गॉड रिलीजियन। तो थियोआर्की मीन्स हो जाएगा रूल बाय गॉड्स, यानी कि ईश्वर का के द्वारा शासन। एंड आगे हमारा द आर्की मीन्स हो जाएगा, एंड आगे हमारा थियोक्रेसी, यानी कि थियोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय प्रिस्ट, यानी कि पादरी तंत्र। एंड आगे हमारा द आर्की हो जाएगा द मीन्स ईश्वर का के द्वारा शासन, एंड थियोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल बाय प्रेसिस्ट, यानी कि पादरी तंत्र। एंड आगे हमारा अधोक्रेसी मीन्स हो जाएगा इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक। तो अधोक्रेसी मीन्स हो जाएगा अ सिस्टम और फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन प्लेस ऑफ रिजिड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि सख्त नौकरशाही के स्थान पर लचीला व अनौपचारिक प्रबंध। आगे हमारा एंड्रोक्रेसी, एंड्रो मीन्स हो जाएगा मेन, रूट एंड्रोम रूट है मेन के लिए। तो एंड्रो एंड क्रेसी मीन्स रूल, तो एंड्रोक्रेसी मीन्स हो जाएगा अ सोशल सिस्टम रूल्ड बाय मेन, यानी कि पुरुषतंत्र। एंड आगे हमारा गायनेको मीन्स हो जाएगा वुमेन, एंड गायनेकोक्रेसी मीन्स हो जाएगा अ सोशल सिस्टम रूल्ड बाय वुमेन, यानी कि महिला तंत्र। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं, आगे हमारा अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेट मीन्स हो जाएगा हाई क्लास पर्सन, यानी कि कुलीन। एंड अरिस्टोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय इलाइट और नोबल क्लास, यानी कि कुलीन तंत्र। एंड आगे हमारा ऑटोक्रेसी मीन्स हो जाएगा ऑटो मीन्स सेल्फ ही और वन, यानी कि एक। एंड ऑटोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर, यानी कि एक तंत्र। एंड आगे हमारा बारबेरोक्रेसी मीन्स हो जाएगा क्रूल, यानी कि तो बारबेरोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय क्रूल पीपल, यानी कि क्रूर तंत्र। एंड आगे हमारा प्लूटोक्रेसी, प्लूटो इज द ग्रीक, मतलब प्लूटो ग्रीक वर्ड है वेल्थ, यानी कि गॉड ऑफ वेल्थ के लिए, धन के लिए। तो प्लूटोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय रिच पीपल, यानी कि धनी लोगों के द्वारा शासन। एंड आगे हमारा ब्यूरोक्रेट मीन्स हो जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि सरकारी नौकर।
तो ब्यूरोक्रेसी में सो जाएगा नौकर, यानी कि रूल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसी को कहेंगे नौकरशाही, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। एंड आ गया हमारा डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपुल एंड क्रेसी मीन्स शासन, तो डेमोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय पीपुल, यानी कि लोकतंत्र। एंड आगे हमारा जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटो मीन्स ओल्ड पीपुल यानी कि, एंड क्रेसी मीन्स शासन, तो जेरेंटोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय ओल्ड पीपुल यानी कि बुजुर्ग लोगों के द्वारा शासन। एंड आगे हमारा क्लेप्टोक्रेसी, यानी कि क्लेप्टो मीन्स हो जाएगा थीफ एंड क्रेसी शासन, तो क्लेप्टोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय थीफ्स यानी कि चोरों के द्वारा शासन। एंड आगे हमारा मीडिया क्रेसी, मीडिया इज प्रेस यानी कि पत्रकारिता। एंड मीडिया क्रेसी मीन्स हो जाएगा गवर्नमेंट बाय द मीडिया, यानी कि मीडिया के द्वारा शासन होगा तो उसको मीडिया क्रेसी कहेंगे। एंड आगे हमारा मोबोक्रेसी और ओक्लोक्रेसी, यानी कि मॉब मीन्स एंग्री क्राउड, भीड़, तो मोबोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय एंग्री क्राउड यानी कि भीड़ तंत्र। एंड आगे हमारा पॉलीक्रेसी, पॉली मीन्स हो जाएगा मैनी एंड क्रेसी, तो पॉलीक्रेसी मीन्स हो जाएगा गवर्नमेंट बाय मैनी रूलर्स यानी कि कई के द्वारा शासन। एंड आगे हमारा सिफोक्रेसी, सिफो मीन्स हो जाएगा इलेक्शन यानी कि, और सिफोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय इलेक्टेड कैंडिडेट यानी कि आम चुनाव के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन, तो उसी को कहेंगे सिफोक्रेसी। एंड आगे हमारा स्नोबोक्रेसी, स्नोविश मीन्स हो जाएगा नखरेबाज यानी कि हार्ड टू प्लीज, तो स्नोबोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय स्नोविश पीपल यानी कि नखरेबाजों के द्वारा शासन, तो नखरेबाजों के द्वारा शासन को कहेंगे स्नोबोक्रेसी। एंड आगे हमारा आगे हमारा पोर्नोक्रेसी, पोर्न मीन्स हो जाएगा प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या, तो पोर्नोक्रेसी मीन्स हो जाएगा, पोर्नोक्रेसी मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्याओं के द्वारा शासन। एंड आगे हमारा पिगमेंटोक्रेसी, पिगमेंटो मीन्स हो जाएगा रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सर्टेन स्किन टोन यानी कि एक निश्चित त्वचा रंग के लोगों के द्वारा शासन, तो उसी को कहेंगे पिगमेंटोक्रेसी। पिगमेंट गिव्स कलर टू आवर स्किन यानी कि पिगमेंट, पिगमेंटोक्रेसी मीन्स हो जाएगा एक निश्चित त्वचा रंग के लोगों के द्वारा शासन, तो यानी कि पिगमेंट मीन्स हो जाएगा रंग द्रव्य। चलिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले का वीडियो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।